हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंदना। सो बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन होती है कि मैं सैलिसिलिक एसिड क्लिंजर यूज़ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कौन सा वाला यूज़ करूँ, मिनिमलिस्ट सैलिसिलिक एसिड क्लिंजर या फिर डर्मा को सैलिसिलिक एसिड क्लिंजर। सो आज का जो ये वीडियो है, आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के जो ये कन्फ्यूशन है कि मैं कौन सा यूज़ करूँ, 1% या 2%, शायद मैं थोड़ा सा दूर कर सकती हूँ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सैलिसिलिक एसिड क्लिंजर। अगर आप सैलिसिलिक एसिड क्लिंजर पहली बार यूज़ कर रहे हो, मतलब इससे पहले आप कभी भी सैलिसिलिक एसिड क्लिंजर आपने यूज़ नहीं किया है, तो आप कौन सा यूज़ करोगे, 1% या 2%? 1%, मतलब डर्मा को सैलिसिलिक एसिड क्लिंजर 1%। अगर आप नए हो, आप इससे पहले कभी भी आपने सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ नहीं किया है, तो मेरी सलाह यही है कि आप 1% से स्टार्ट कीजिए। डर्मा को का जो ये सैलिसिलिक एसिड क्लिंजर है, ये परफेक्ट है फॉर बिगिनर। अगर आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर चुके हो इससे पहले बहुत बार, तो आप मिनिमलिस्ट खर्च ट्राई कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। हमें हमेशा लो परसेंटेज से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब 1% से। सो 1% यूज़ करने के बाद हमें 2% यूज़ करना चाहिए, यही बेटर होता है हमारे स्किन के लिए। एक ही बार में हम हाई परसेंटेज यूज़ नहीं कर सकते स्किन में, क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है। सो लो परसेंटेज से स्टार्ट कीजिए, तो ये स्किन में बहुत अच्छे से काम करेगा। ओके,